नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका, इतना आसान तरीका बताऊंगा आप लोगों का जीमेल क्रिएट करने के लिए कि किस तरह से आप लोगों का जीमेल क्रिएट करना है। तो बगल में मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप उस पर ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों का सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे जाना है। तो मोबाइल स्क्रीन पे जाने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जाना है इसमें, और ये जीमेल है जो आपका पहले से एक जीमेल बना होगा उस पर आप जाइएगा। इस पर जीमेल पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, जो अब सबसे ऊपर से आ रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में ऐड अनदर अकाउंट, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है जो ऐड अनदर अकाउंट, सबसे लास्ट में जो ऐड अनदर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप लोगों को क्लिक करने के बाद में ये गूगल आ रहा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये गूगल से आ रहा है, ये देखिए रुपए गूगल, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक कर दिए, खुल जाएगा। और ये खुलने के बाद में देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ ईमेल और फोन नंबर है, और दूसरी बात नीचे देखिए यहाँ क्रिएट एन अकाउंट है। क्रिएट एन अकाउंट पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे, तो देखिए यहाँ पे दो चीज है, फॉर पर्सनल, फॉर माई पर्सनल यूज और फॉर वर्क माई बिजनेस, ये दो चीज है। तो आपको किस पे करना है, फॉर पर्सनल यूज पे। फॉर पर्सनल यूज पे करने के बाद में यहाँ जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम है और सेकेंड लास्ट नेम है, वो आपका प्रोफेशनल है लास्ट वाला। तो इसको करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम फर्स्ट नेम में कुछ भी डाल देते हैं, जैसे आपको जिस भी नाम से क्रिएट करना होगा, इसमें नाम से क्रिएट करना होगा, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ा, अपना नाम डालिए। तो नाम डाल दीजिए, तो नाम डालने के लिए चलिए डाल देते हैं, अपना मर्जी से जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना, अभी अपना जो भी होगा वो भी डाल दीजिएगा। और इसके डालने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट होगा तो इसमें डेट ऑफ बर्थ और जेंडर दो चीज आपसे पूछा जा रहा है, तो आप किस महीना में, जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जिसका जैसा है, जैसे मैं अपना डाल दे रहा हूँ, जिस मतलब ईयर है, कब तक आप मतलब किस साल आप मतलब वो जन्म तिथि है वो डालना है आपको, और कौन सा जेंडर हो, मेल या फीमेल। और फिर इसके बाद में आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक आया है क्रिएट जीमेल, यहाँ पे खुद आया है कि देख लीजिए यहाँ पे कि क्रिएट ए जीमेल एड्रेस, आपको जीमेल एड्रेस डालने के लिए है। तो आप यूज मोबाइल से डाल सकते हो या खुद ऑटोमेटिक डाल सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप डाल दीजिए, जैसे जो भी जिस नाम से आप बना रहे हैं उस नाम से आप बना कर दीजिए। तो अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। चलिए ये मेरे पास, ये इनके पास में नहीं है, जैसे जो मैं डाला हूँ। तो आपको क्या करना है, खुद ऑटोमेटिक ऐसे करना है, अगर ये चीज़ भी हाँ हो गया। फिर इसके बाद में आपको क्या डालना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के लिए आपको जो भी अपना मन में हो लेटर डाल देना है, जैसे इसमें क्या है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसे ऊपर में लिखा क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसमें एक लेटर डालना है, नंबर डालना है और कुछ सिंबल भी डालना है, ये ध्यान में दीजिएगा। तो लेटर, नंबर, सिंबल जो भी आपको मन है वो अपना हिसाब से डाल दीजिएगा, जो आपको याद रह सके। ऐसा नहीं कि जीमेल बनाने के बाद में आप भूल जाएं। इसके बाद में ये क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद में आ जाएगा, फिर इसके बाद में आप इसको टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप कर दीजिएगा, वो कर देने के बाद में फिर आपका ये जीमेल है वो क्रिएट हो जाएगा।